फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक स्टार। आज मैं पहली बार लाइव आ रहा हूँ आप लोग के सामने। बहुत बड़ा कुछ इशू नहीं है, मतलब छोटा सा एक टॉपिक लेकर आ रहा हूँ, बस मुझे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। देखिए, तो मोबाइल तो हम लोग तो सभी यूज़ करते हैं, तो सबसे बड़ा फंडा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम लोग ध्यान में नहीं देते और हम आराम से कर जाते हैं। तो जो नहीं करना चाहिए, ऐसे तीन चीज़, बहुत ही सिंपल तीन चीज़ जो हम लोग हर रोज़ करते हैं, वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। और एकदम सही बात है, आप ट्राई करके देखिए, आपको इसका जो फ़ायदा है वो मिल जाएगा। पहला चीज़ जो है मैं बताऊँगा कि मोबाइल में एक लेफ्ट ऑप्शन में एक हॉटकी होता है, जिसको हम दबा कर ऐसे 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 क्लियर करते रहते हैं कि हम सोचते हैं कि मेरा रैम फ्री हो गया, मेरा जो रैम मेमोरी है बहुत बढ़ गया। लेकिन ये सबसे बड़ा गलती है, इसे मत कीजिए। अगर उसे रहने दीजिए, आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, आपका स्मार्टफोन में ऐसा फैसिलिटीज़ है कि वो ऑटोमेटिकली आपका जो रैम है उसे ऑप्टिमाइज़ करे। मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाए तो ऑटोमेटिकली वो पीछे वाला जो एप्लीकेशन ओपन रहेगा उसे बंद कर देगा। ये मत कीजिए। इसमें क्या होता है, जो ओपन रहता है ना, आप सेकंड में अगर कोई भी आपका कोई ऐसा एप्लीकेशन ऑन करे जो पहले से ओपन है, वो लोड होने में कम टाइम लगता है और आपका जो प्रोसेसर है वो भी फ्री रहता है, तो ये मत कीजिए। एंड द सेकेंड वन, बहुत सारा एप्लीकेशन होता है ऐसे कि क्लिक कर दिया, मतलब क्लैश मेमोरी जो बोलता है, तो वो सब कुछ इधर उधर 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 करके ऐसे 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 करके क्लीन कर देते हैं, तो बिल्कुल भी काम का नहीं है। मत कीजिए ऐसा, एकदम मत कीजिए, वो कोई काम नहीं करता। आप पहले ही सोच लीजिए कि आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, तो आपका फ़ोन पहले से ही स्मार्ट है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन मत डाउनलोड कीजिए, ऑफिशियली जो भी डाउनलोड करना है एंड्रॉयड प्ले स्टोर से कीजिए, वहाँ से बहुत लाखों लाखों सॉफ्टवेयर दिए गए हैं, आप उसे यूज़ कीजिए। हाँ, तो अगर क्या होता है प्रॉब्लम, जो क्लैश मेमोरी आप जो डिलीट कर रहे हैं, तो उसकी दिक्कत यह आता है कि सपोज़ मान लीजिए कि आप कहीं जाना है, आपको आप मैप से एक सर्च किया कि मुझे वहाँ जाना है, तो पहले बार जो डेटा लोड हुआ, सेकेंड टाइम वो डेटा ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा जब आप क्लैश मेमोरी को रिमूव कर देंगे। अगर वो रहता, अगर रिमूव आप नहीं करते तो क्या होता, वो आपके लिए रेडी रहता, इतना ज़्यादा वक्त नहीं लेता, आपका नेट खर्चा कम होता, आपका रैम फ्री रहता, आपका प्रोसेसर भी ठीक रहता। तो ये बस छोटा चीज़ है लेकिन बहुत काम का चीज़ है, ध्यान में रखिएगा। एंड द लास्ट वन इज़ बैटरी सेवर मत इंस्टॉल कीजिए, बिल्कुल नहीं काम करता। जो काम करता है वो आप खुद ही कर सकते हैं। आप एक बैटरी सेवर को देंगे तो आप तो पैसे देकर कितने लोग खरीदते हैं कि एक सेवर एप्लीकेशन के लिए आप 200-300 रुपये कोई नहीं देगा। देगा जो उसके पास ज़्यादा है वो देगा, हम लोगों के पास ज़्यादा नहीं है, हम लोग नहीं दे पाएंगे। तो बेसिकली उसे मत इंस्टॉल कीजिए। उसका क्या काम होता है कि आप 30% से बिलो हो गया तो वाईफाई ऑफ हो जाएगा, ब्राइटनेस कम हो जाएगा, आपका डेटा जो है उसका लिमिट आ जाएगा। तो ये काम तो हम भी खुद कर सकते हैं, इसके लिए कोई एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है, आप खुद कीजिए। मतलब आपका फ़ोन तो सेव रहेगा, थोड़ा मेमोरी भी बच जाएगा, वो बैटरी सेवर खुद बैटरी खाता है क्योंकि वो बैकग्राउंड में ऑल टाइम चालू रहता है। तो ये सब छोटे छोटे चीज़ है। और एक्स्ट्रा बता देता हूँ तीन के लिए, ऐसा तो कोई नहीं तीन ही बताना पड़े, मैं चार ही बता देता हूँ कि और एक ऐसा चीज़ है, एंटीवायरस मत डाउनलोड कीजिए, क्योंकि मोबाइल इतना भी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है कि कुछ बहुत सारा पैसा आ जाता है, ऐसा चोरी हो जाएगा, सिक्योरिटी सिस्टम ऐसा नहीं होता है। आप एंटीवायरस मत लोड कीजिए, आपका फ़ोन का जो सिस्टम है उसे ही यूज़ कीजिए। एंटीवायरस बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, कुछ बेसिक चीज़ों में काम आता है, जैसे कुछ नाम ले लेता है, AVG जो एंटीवायरस होता है उसका थेफ्ट इशू है, वो आप काम कर सकता है। लेकिन इसके लिए बहुत सारे ऑप्शन है, मेरी ही एक वीडियो है कि आपका अगर फ़ोन खो जाए तो कैसे इसे आप वापस मिल सके, कैसे आपका उसका लोकेशन मिल सके, फ़ोन को रिमोटली एक्सेस कर सके, रिमोटली इरेज कर सके, तो ये आप अलग से कर सकते हैं। और जो ये जो सॉफ्टवेयर का मैं नाम बता रहा हूँ, गूगल एडवाइस मैनेजर, एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर सॉरी, ये गूगल के ही है, तो वो सब कीजिए ना। ये एंटीवायरस कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन मत लीजिए, मुझे नहीं लगता वो काम करता है। आप आगे आप सोचिए, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है और ऐसा ही एक टॉपिक्स मैंने टेक्निकल गुरुजी से ही सीखा था, उनके वीडियो से ही इन्फ्लुएंस होकर मैं ये आपके लिए बता रहा हूँ।
वो तो हम लोगों का गुरुदेव है, आप सभी पता है आपको, तो लव यू गुरु जी, लव यू माई फ्रेंड्स। पहले बार आज आ रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं और भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मेरे पास कैमरा वैमरा सब कुछ है, ये बस मेरा शुरुआत है। मुझे ब्लेसिंग्स दीजिएगा कि मैं बहुत बहुत अच्छा अच्छा टेक लेकर आप लोगों के पास आ सकूँ। और मेरा एक ही मोटो होगा, हाँ पैसे इनकम तो हम भी करना चाहते हैं, लेकिन वो तो बहुत दूर की बात है, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा वो मुझे भी नहीं पता। अगर हो पाए तो आप लोगों का कृपा होगा। और मेन मोटो है वो है कि मेरे इस टेक से आपको कैसे फ़ायदा मिले, बस यही एक लक्ष्य है मेरे, मैं इसी के ऊपर काम करूँगा। और थैंक यू, नमस्ते। टेक स्टार में आप सभी का स्वागत है, मेरे साथ रहिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे अच्छे काम दिखाने के लिए। थैंक यू गाइस।